डियर स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें कोई तीन मैट्रिसेस गिवन है, लेट लेट थ्री मैट्रिसेस आर ए बी एंड सी। कोई तीन मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए बी एंड सी। तो एसोसिएटिव फर्स्ट क्या होता है इसमें, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर तीन मैट्रिक्स ए बी एंड सी इस टाइप से हैं कि किन्हीं दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स के साथ, अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है और हमें ए इज इक्वल टू गिवन है 1 0 2 3, कोई बी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू गिवन है 1 0 3 2 एंड सी इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 एंड 4। ये कोई तीन मैट्रिसेस गिवन है, एग्जांपल से समझते हैं, द एसोसिएटिव लॉ को एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स गिवन है, तो एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी के साथ हमेशा इक्वल होता है, बी और सी के मल्टीप्लाई को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके इक्वल होता है। तो यहां से चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं एग्जांपल से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए गिवन है मैट्रिक्स बी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से आएगा ए बी इज इक्वल टू 1 2 0 3। सेकेंड है बी, बी इज इक्वल टू -1 0 3 2, दो मैट्रिसेस गिवन है मल्टीप्लाई। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमने देखा था, इससे पहले क्लासेस में देखा था हमने कि जो मल्टीप्लाई होता है किसी भी दो मैट्रिक्स का कैसे होता है, सबसे पहले होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, तो यह आएगा 1 2 0 3, 1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो 1 into -1, फिर बीच में साइन आता है प्लस का, सेकेंड एलिमेंट का कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, 0 का 0 से प्लस 0 into 0, फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 का होगा 3 से 1 into 3, 0 का होगा 2 से तो प्लस 0 into 2। वैसे अगर हम थर्ड एलिमेंट देखेंगे तो ये होगा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई होगा -1 से 2 into -1, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा 0 से 3 into 0। वैसे फोर्थ एलिमेंट आएगा इसका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से 2 into 3, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से 3 into 2। ये हो गया, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आएगा -1 + 0, यह आ जाएगा -1, 3 + 0 यह आएगा 3, 2 into -1 -2 + 0 -2, और फोर्थ आएगा 3 into 2 6, 3 into 2 6 12, ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई आया है ए एंड बी का मल्टीप्लाई आएगा। इसी टाइप से हमें क्या करना है, अब ए बी के मल्टीप्लाई से, ए बी का जो मल्टीप्लाई करके आया है जो वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लाई करना है हमें मैट्रिक्स सी से। तो इसका सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका अगर हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी, सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहीं पे हम सी मैट्रिक्स को लिख देते हैं। सी मैट्रिक्स हम पे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 1 से
तो ये आएगा ए बी सी, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस वन इंटू वन, ये हो जाएगा माइनस वन थ्री इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू। वैसे सेकेंड एलिमेंट आएगा इसका माइनस वन इंटू थ्री, माइनस वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर। अब सेकेंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से, माइनस टू का वन से तो माइनस टू, ट्वेल्व का टू से ट्वेल्व इंटू टू। फिर वही प्रोसेस करेंगे सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, माइनस टू का थ्री से तो माइनस टू इंटू थ्री प्लस ट्वेल्व का फोर से तो ट्वेल्व इंटू फोर। इसे सॉल्व करके देखेंगे तो सॉल्व करके आएगा ये माइनस वन प्लस थ्री इंटू टू, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव। सेकेंड आएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन। थर्ड आएगा ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस टू ट्वेंटी टू। और फोर्थ आएगा इसका ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट, फोर्टी एट माइनस सिक्स तो ये आएगा फोर्टी टू। तो ये मल्टीप्लाई आया है मैट्रिक्स ए इंटू बी का मल्टीप्लाई सी, ये वैल्यू होगी। अब इसे हम राइट हैंड से चेक करेंगे, राइट साइड में इसका ए इंटू बी इंटू सी, यहां से चेक करेंगे, यहां से भी आंसर सेम आना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टीज प्रूव होगी। तो राइट साइड से देखते हैं, राइट साइड से आएगा इसका राइट साइड से आएगा हाँ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना था ए बी इंटू सी, तो ये हमने देख लिया। सेकेंड वाला देखते हैं ए इंटू बी इंटू सी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी का, तो बी इंटू सी होगा, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स बी हमें गिवन थी, मैट्रिक्स बी गिवन थी माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो थ्री टू। और सी मैट्रिक्स हमें गिवन थी, ये सी मैट्रिक्स ये गिवन थी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर, ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये माइनस वन का वन से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, माइनस वन का वन से माइनस वन, थ्री का टू से थ्री टू जा सिक्स। फिर आएगा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, माइनस वन का थ्री से माइनस थ्री, थ्री का फोर से फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। वैसे थर्ड एलिमेंट आएगा अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई वन से जीरो प्लस टू का मल्टीप्लाई टू से फोर। वैसे फोर्थ वाला एलिमेंट आएगा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, जीरो का मल्टीप्लाई थ्री से जीरो प्लस टू का मल्टीप्लाई फोर से एट, ये आ गया जीरो प्लस एट। सॉल्व करके देखेंगे इसे, तो ये सॉल्व करके आएगा फाइव, ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, ये आएगा जीरो प्लस फोर फोर, जीरो प्लस एट एट, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स ए से, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है वन टू जीरो थ्री, तो ये आएगा सॉल्व करके ए बी इंटू सी, मैट्रिक्स ए गिवन है वन टू वन टू जीरो थ्री जीरो थ्री। और मैट्रिक्स बी और सी का मल्टीप्लाई हमने अभी प्रूफ किया था, अभी निकाला था ये फाइव फोर नाइन एट के इक्वल, तो ये आएगा फाइव फोर नाइन एट। दोनों का मल्टीप्लाई होगा स्टार्टिंग में होगा इसमें सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो वन का मल्टीप्लाई होगा फाइव से, तो ये आएगा फाइव प्लस जीरो का मल्टीप्लाई होगा फोर से, जीरो इंटू फोर जीरो। सेकेंड एलिमेंट आएगा इसका फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, वन का होगा नाइन से नाइन, और जीरो का मल्टीप्लाई होगा एट से जीरो। वैसे थर्ड एलिमेंट आएगा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, टू का मल्टीप्लाई होगा फाइव से टेन, टेन
और 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 से 12। फोर्थ आएगा इसका फोर्थ एलिमेंट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, 2 का मल्टीप्लाई 9 से 18, 3 का मल्टीप्लाई 8 से 24। तो ये आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 5 प्लस 0 5 9 22 42। तो ये आ गया इसका राइट साइड से। तो ए बी इंटू सी का जब हमने लेफ्ट साइड से प्रूफ किया था तो ये मैट्रिक्स आई थी ए बी इंटू सी मैट्रिक्स जो आई थी, इसका आंसर आया था 522 942। राइट से हमने देखा इसका आंसर आया 522 942। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि जब हम किन्हीं तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस टाइप से करते हैं कि पहली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, उन दोनों का मल्टीप्लाई तीसरी मैट्रिक्स के साथ, तो हमेशा इक्वल होता है बी और सी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट हो गया एसोसिएटिव मैट्रिक्स। सेकंड होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है अगर हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है ए बी एंड सी, तो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और इसका सेकेंड पार्ट होता है ए प्लस बी सी का मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी सी। तो इस टाइप से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं एग्जाम्पल से, कि अगर हम पे कोई तीन मैट्रिक्स है और उन मैट्रिक्स को हम इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं कि पहले बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का सम करके उसका मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स से, तो हमेशा इक्वल आता है ए इंटू बी मैट्रिक्स प्लस ए इंटू सी मैट्रिक्स से। ऐसे सेकंड वाला है इसमें कि अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स का सम करके हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इक्वल आता है ए सी प्लस बी सी मैट्रिक्स के। थर्ड पार्ट है इसका द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये वाला पार्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसका थर्ड पार्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमें ए गिवन है और इसका मल्टीप्लाई हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का करते हैं, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, उससे अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा इक्वल होता है ए इंटू आई के। उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा आती है, लास्ट में इसका रिजल्ट आता है वो हमेशा ए के इक्वल आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई स्टेप से करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करें तो ये हमेशा इक्वल आता है ए इंटू आई के। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इक्वल आता है ए मैट्रिक्स के जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं। तो इसे हम बोलते हैं, आई को बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी इसकी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कल एक्सरसाइज 3.2।